हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के कॉर्नेडियो में सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिटी वन ट्रिम ड्रीम डीलक्स का, जो अपनी कार बाइक है वो 458 किलोमीटर चल चुके हैं, तो इसका मैं ओनरशिप रिव्यू आप सबको देने वाला हूँ। ओनरशिप रिव्यू अभी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट सर्विस अभी इसकी बाकी है। तो फर्स्ट सर्विस से पहले मुझे क्या क्या फेस चीज़ें लगी, मैंने ये बाइक क्यों परचेज़ की, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो तो मैंने आप सबको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया। अभी बाइक थोड़ी गंदी हो रखी है, तो डोंट माइंड फ्रेंड्स, तो उसको आप थोड़ा गौर मत करना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैं अभी खड़ा हूँ अपनी बाइक के साथ। पहले तो मेन मकसद ये था कि अपने मुझे जो बाइक है वो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए कुछ अच्छी 100 cc 110 cc की बाइक चाहिए। तो मैंने अपनी देखी जो इस सेगमेंट में स्प्लेंडर आती है, मैंने वो देखी। उसके बाद मैंने HF डीलक्स देखी, सिटी 100 देखी, सिटी 110 देखी, और उसके बाद मैंने ये ली और मैं चला गया होंडा की तरफ। तो यही बाइक लेने का मेन मकसद क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज के टाइम के स्प्लेंडर की जो प्राइस है वो करीबन इसके सिमिलर ही है, 84,000। उसमें जो उसका जो एक्सटेक वेरियंट है वो नहीं आता, जो सिंपल आता है वही ब्लैक कलर में आपको चाहिए, और आपको ब्लू एंड रेड में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ऑल ब्लैक इसमें अवेलेबल भी है, लेकिन ये कलर मुझे क्यों चुना, ये बाइक क्यों चुनी, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बाइक के लेने के पर्पस था मेरा, वो थी माइलेज और एक कंफर्टेबल राइड, क्योंकि अगर आप थकावट वाली महसूस कर सकते हो तो मुझे लगता है कि वो आपका कोई मतलब नहीं है ये बाइक लेने का। अगर आपको मुझे बड़े छोटे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी लॉन्ग डिस्टेंस में 100-150 किलोमीटर एक साथ चलाना पड़ता है, तो एक अच्छी माइलेज भी होनी ज़रूरी थी। और एक लुक की मैं बात करूँ तो लुक चलो ठीक है, कहीं की अपनी अपनी पसंद होती है, कहीं लोगों को स्प्लेंडर ज़्यादा पसंद आती है, कहीं को ये पसंद आती है, लेकिन मैंने ये इसको पसंद किया क्योंकि जब की बात आ जाती है लुक की तो मुझे थोड़े स्प्लेंडर से ज़्यादा, और स्प्लेंडर एक कॉमन हो गई थी क्योंकि आजकल सबके पास स्प्लेंडर ही होती है। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो फिर हमने होंडा की ये बाइक उठा ली थी। अभी नहीं कि ये बाइक अभी अभी लॉन्च हुई है 2022 में, इससे पहले ये इसके कई वर्जन आ चुके हैं। जब इसका नाम पहले से ड्रीम नियो था, उसके बाद ड्रीम डीलक्स हुआ, उसके बाद CD110 ड्रीम हुआ, और उसके बाद इसका नाम CD110 ड्रीम डीलक्स हो गया। तो इसके कई वेरिएंट आ चुके हैं, ऐसा ही नहीं कि ये फ्लॉक बाइक है या ऐसा कुछ, एक अच्छी बाइक है। और कंसिडर करते हैं स्प्लेंडर के बिल्कुल सेगमेंट में, इसके जो सेगमेंट में राइवल आती है वो मैंने आपको सारी बता ही दी थी। और इसके एक और नेगेटिव जो मुझे लगा कि वो भाई ये, अब आप कह रहे हो यहाँ पर ये इसमें जो पैनल गैप आपको दिख रहे हैं, वीडियो में शायद नहीं दिख रहे हैं, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस तरह से पूरा हिलता है, वीडियो में शायद आपको नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं फोकस करता हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे हिलता है। ये थे छोटे छोटे कुछ नेगेटिव्स भी हैं इसके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव्स भी हैं। और एक पॉजिटिव ये भी है कि यहाँ पर ये देखिए आपको गैप दिख रहा है, अब भाई गैप दिख रहा है तो ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एरोडायनामिक शेप दी गई है कुछ इस तरह से, ताकि जब भी आप बाइक जो आप तेज़ स्पीड में चलाएं तो हवा का इसका जो प्रेशर है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाए इस तरह से। कुछ ये थी इसकी डिज़ाइन। माइलेज के मामले में कहीं ना कहीं ये वो स्प्लेंडर बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो अलग चीज़ है वो थी ये कि इसमें आपको 110 cc का इंजन दिया गया है और उसमें आपको 100 cc का इंजन दिया गया है। अगर रीसेल वैल्यू की भी बात कर ले तो स्प्लेंडर इससे आगे जीती जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो सबसे पहला इसका जो पॉजिटिव है वो यही है किल स्विच। ये आप जब अपनी 150 cc 200 cc की जब बाइक लेते हैं उसमें जो आप किल स्विच दिया जाता है, आजकल ये होंडा ने ट्रेंड पर कर दिया है और आपको ये दिया ही जाता है। और दूसरी बात, ये CBS तो भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम अब तो हर एक में मिलता है, ये एक इसका पॉजिटिव हो गया। और दूसरा पॉजिटिव ये कि इसमें आपको 110 cc का इंजन दिया गया है। अगर नाम तो उन्होंने थोड़ा बड़ा रख दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसका जो 110 cc का इंजन है इसका दूसरा पॉजिटिव हो गया। और तीसरी बात, इसका ये जो मेटल ना देके ये पूरा प्लास्टिक दिया गया है, ये मुझे ठीक लगा अभी तक। तो ये पूरा प्लास्टिक है यहाँ पर भी, और ये सारी चीज़ें ये सब प्लास्टिक में दी गई हुई है। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव। और इसमें स्प्लेंडर की तरह यहाँ पर ये आपको दिया गया है 3 kg तक आप इसका लोड कैरी कर सकते हो। पीछे की तरफ भी आपको कुछ ऐसा लुक दिया गया है। इंडिकेटर आपके फ्लेक्सिबल है, थोड़े से टूटेंगे नहीं वैसा। और इसमें जो इसका इंजन दिया गया, ESP टेक्नोलॉजी इसमें आती है होंडा की सभी बाइक्स में, और हीरो में जो FI टेक्नोलॉजी है वो आती है। मिरर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं यहाँ पर, अगर कुछ इंडिकेटर जैसा हम आफ्टर मार्केट लगे तो लगाने की कोशिश भी ज़रूर कर लेंगे एक बार, इससे जो लुक इन्हेंस हो जाएगा। और ये कलर था। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो नेगेटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ये कि भाई ये देखो यार, यहाँ पर कुछ तो डिजिटल दे देते दे,
ये सभी एनालॉग, चलो एनालॉग मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, जब ये दोनों सुइयां ऊपर होती है या फिर कुछ भी, तो ये पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ देखने में लगता है स्प्लेंडर में भी आजकल जो डिजिटल आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ा मोटा चेंजेस दिया जाना चाहिए था। और एक और बात, इसकी ये जो स्विच दी गई है, यहीं से आप अपना पासिंग लाइट स्विच ऑन कर सकते हैं, और अपना हाई बीम है वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग की गई, अगर यहाँ पर रहते थोड़ा कन्वीनियंट रहता अपना, और ये सिर्फ अपने हाई बीम के लिए रहता है जो सभी में आता है। तो क्या कहीं अगर हम इसको, मुझे लगता है ये कहीं टूट जाएगा, इसकी जो पूरा डर रहता है, अगर इस तरह से इसको करें ज़्यादा खींच लिया तो ये टूट भी सकता है। और एक और इसका जो नेगेटिव है वो ये है, अगर आप डायरेक्ट, इसमें कोई DRL नहीं दी गई, इसमें कुछ DRL तो दे देते ताकि क्या है, हमें अगर जो अपने गवर्नमेंट का नॉर्म है उसके हिसाब से अगर अपनी बाइक में DRL नहीं है तो हमको अपनी लाइट जला के और कंपनी से डायरेक्ट ऑन ही आती है। अगर आप इग्निशन ऑन करते हैं तो लाइट डायरेक्ट ऑन हो जाती है। तो ये एक उसका मुझे नेगेटिव लगा कि अगर ये जल्दी से बैटरी जो ख़राब हो जाएगी और हमें बार बार बैटरी का रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ये एक इसका नेगेटिव था। एक और चीज़ ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो पूरा प्लास्टिक का पैनल दिया गया है, ये पूरी अपने जो मेटल है उसके सराउंड है, और उसके ऊपर ये जो दो पेजेस यहाँ पर दिए गए हैं उसके ऊपर ये पूरा प्लास्टिक का दे दिया गया है। तो भाई यहाँ पर मेटल का दे देते क्या चला जाता, ये पूरा प्लास्टिक का है। लेकिन इसमें ख़राब क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, इसमें अगर ये दाग धब्बे लग जाए तो आप अपने घर में वॉशिंग करेंगे या आप अपने जो अपना कपड़ा लगेंगे तो उससे ये नहीं जाने वाला, ये वैसा कलर है। अगर आप बॉडी पे यहाँ पर है अगर कहीं भी अपने जो कपड़ा लगाते हैं तो वो सब दाग चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं जाते। देखिए अभी कई दिन हो और इसके जो शाइनिंग है वो थोड़ी सी कम होगी, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर शाइनिंग आ रही है। देखिए कैमरा में शायद इतना फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे रियल आँखों से ज़रा लग रहा है। और इसके एक और बात, इसकी जो सीट है वो पॉजिटिव में जो आते हैं वो मैं भूल गया, स्प्लेंडर और इसकी सीट लगभग सेम ही आती है, लेकिन इसमें मुझे सीट है वो भी अच्छी लंबी आती है। बाकी क्या है बैठने में भी, अगर आप भले ही इसमें आपको दो पैसेंजर ही बिठाना चाहिए, दो लोग ही, एक ड्राइवर एक उसके बाजू में, लेकिन कहीं कहीं लोग क्या है हमें इमरजेंसी में तीन लोगों को बिठाना पड़ सकता है। तो हो गए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद, जो बाइक में हमको फीचर्स के साथ साथ मिलते हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ये सब वो। और एक और चीज़, इसमें आपको इंजन साइड कट ऑफ स्टैंड दिया गया है, मैंने आपको दिखाया था। और उसके साथ अब मुझे क्या इसमें बाइक में पॉजिटिव लगा वो कि भाई इसका पिकअप शानदार है, अगर आप सिंगल बंदे चला रहे हो तो इसको ट्यूनिंग इस तरह से किया गया माइलेज निकालने के लिए, अगर आप इसको 40 से 50 तक चलाएंगे तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, आपको थोड़ा एक्सीलेट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50 से ज़्यादा एकदम एक्सीलेट कर देते हैं तो बाइक बिल्कुल ही पिकअप ले लेती है। और उसके बाद जो इसका दूसरा मुझे जो नेगेटिव लगा वो यहाँ से कहीं से चलती बाइक में कुर ऐसे जो अपने जो ये मेटल है वो कहीं आवाज़ कर रहा है, तो वो भी दिखा देंगे एक बार कि मैंने पहले बताया था, उन्होंने कहा कि आपकी अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई, तो फर्स्ट सर्विस होने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो इसका गियर है वो कहीं पर अटक रहा है, थर्ड गियर में अटक रहा है या सेकंड गियर में अटक रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन गियर इसका अटक रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर बार अटक ही रहे, कई बार अटकते कई बार नहीं अटकते, ज़्यादातर तो केस में नहीं अटकते, लेकिन 100 में से 20 बार अटक जाते हैं। आप ऐसा चल के मान लो, मैं अगर आपको दिखाता हूँ बाइक स्टैंड पे ही है अगर के, तो कुछ आपको पता चले कि मैं सिर्फ ऐसे बातें नहीं कर रहा हूँ, इसमें सच में अटकते हैं यहाँ से। ये मुझे बस चीज़ लगी बिल्कुल। और इसका ये कि इसका जो RPM है वो थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं, BS6 बाइक है तो इसलिए फर्स्ट गियर डाल लेते हैं। ये देख, अब फर्स्ट गियर डाल लेते हैं, ये मैंने फर्स्ट गियर डाला, यह देखिए मैंने अभी क्लच भी नहीं छोड़ा, ये पहिया रोटेट होने लग गया, क्योंकि क्या व्हील प्लेट में क्लच प्लेट चली गई है क्या, ये अपने आप ही घूमने लग गए। ये देखिए ये मैंने गियर छोड़ दिया, ये अपना पहिया घूम रहा है, मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ अभी तो नहीं अटका, फोर्थ गियर में भी देखिए अभी अटक गया। देखिए ये कैसे आवाज़ कर रहा है, देखिए अभी नहीं अटका, अभी ये सेकंड गियर में है। और बाइक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैं कोई RPM अपना रेस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये देखिए अपने आप इसका पहिया घूम रहा है। थर्ड गियर में वापस लगाते हैं, ये देखिए अब अटक गया, वापस से निकल गया, ये अभी थर्ड गियर में, ये फोर्थ गियर में। और इसका चेन है वो भी कहीं का आवाज़ तो कर रहा है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं चल रहा। ये देखिए ये भी सेकंड गियर में है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लगाता हूँ थर्ड गियर, ये देखिए ये अटक गया।
अभी देखिए ये फोर्थ गियर नहीं लगेगा, देखिए ये कैसे आवाज़ कर रहा है। ये देखिए मैंने छोड़ दिया है, पहिया भी नहीं घूम रहा और बाइक अभी गियर में है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको आगे का डेट डाल के दिखा दूँ। ये देखिए मैंने आगे का डाला, ये देखिए पहिया घूमने लगी। इसके साथ सभी गियर वो पीछे ही लगते हैं लेकिन इसमें गियर कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। मैंने एक बार दिखाया था, उन्होंने कहा कि यार फर्स्ट सर्विस हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें सोल्व हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स तो उनका अच्छा है क्योंकि हमने यहाँ से ली थी नेशनल होंडा से मांगरोल से, तो उनका रिस्पॉन्स भी कहीं ना कहीं अच्छा है और कह रहे थे कि भाई आपके जो कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपने बाइक हमारे वहाँ से ली है, आपको इसमें जो भी दिक्कत होगी हम देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी डिफेक्टिव पीस भी आ जाता है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि वो तो डायरेक्ट लगा के बेचते हैं। चलो इसमें हम कुछ को दोष नहीं दे सकते लेकिन वो जो भी होगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं वीडियो बनाने का मकसद यही था, ये दो चीज़ें मुझे ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, इसका गियर कहीं ना कहीं फंस रहे थे और इसके जो चलती बाइक में ये कोई टूर ऐसी आवाज़ कर रहा है, अपना जो ये मेटल है जो हमने नीचे एसेसरीज के रूप में लगाए वो आवाज़ कर रहा है, क्या है पता नहीं। तो फर्स्ट सर्विस अब हो जाने का वेट ही हमको करना पड़ेगा और यहाँ से अब अपनी सीट अनलॉक कर सकते हैं, ये मैंने पहले बताना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। तो यही थी इसकी ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि अभी अपनी बाइक चली है 458 किलोमीटर, तो 458 किलोमीटर मुझे जो जो चीज़ फेस लगी और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे बुरी लगी वो मैंने आपको सभी चीज़ें बताई दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब कर देना। कई लोग हैं 80% लोग हैं जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसा मत करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट कर देना और बाइक अच्छी लगी, बाइक के ओनर रिव्यू मैंने आपको जो चार चीज़ें बताई वो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।